हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पार्ट वन, जिसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। यदि आप लोगों को आंसर मालूम हो सभी क्वेश्चनों का तो आप लोग क्या करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि अगर जितने लोगों ने भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल के आइकन प्रेस करने के बाद ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों के पास नहीं जा रहा है क्योंकि वो उन्होंने बेल का आइकन जो है वो ऑन नहीं किया। देखिए ऐसे ऑन होता है, ठीक है, ये जो सिंबल दिख रहा है ये ऑन है, ठीक, तभी उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से, और ये इसका पार्ट वन है। इसके बाद लगातार कंटिन्यू आर्थिक सर्वेक्षण पर ही वीडियोस बनाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या क्या है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो है 2.55 करोड़। कितना है? 2.55 करोड़ जो है इसकी जनसंख्या। और देश में 16वां बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा है? 16वां बड़ा राज्य है जो है छत्तीसगढ़। ये भारत की जनसंख्या का 2.11% है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि ये भारत की जनसंख्या का 2.11% है और देश का 16वां बड़ा राज्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य में सकल लिंगानुपात है। देखिए लिंगानुपात से हमेशा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर कि 991 है, 991 है लिंगानुपात, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए अगर पूछा जाए तब की बात है, ग्रामीण क्षेत्र में ये है 110, अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाती है तो शहरी क्षेत्र में ये 956, ठीक है। अनुसूचित जाति की बात की जाती है तो ये है 994, और यदि अनुसूचित जनजाति की बात की जाती है तो ये कितना है, 1020, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो 1001, शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 956, और यदि अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 994, और यदि अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 1020, ठीक है। और डायरेक्ट पूछा जाए कि राज्य में सकल लिंगानुपात है तो वो हो जाएगा 991, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। भार्गव क्लासेस नाम है टेलीग्राम ग्रुप का। छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो अब आप लोगों को बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर क्या है। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर सही मालूम है और वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएंगे भी, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की जो साक्षरता दर है वो है 70.3%। कितना है? 70.3%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव की बात की जा रही है यहां पर। स्थिर भाव पर 2018-19 में वृद्धि प्रतिशत क्या है? अब आपको बताना है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर 2018-19 में वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो यहां पर जो है इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में 6.08% जो है वो वृद्धि भाव है, ठीक है। और भारत में यदि पूछा जाए तो कितना है, 7.2%, ठीक है। भारत की बात की जाए तो 7.2%, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 6.0%, और छत्तीसगढ़ में औसत बात की जाए तो ये आता है 5.66%। औसत की बात की जाए तो 5.66%, ठीक है। अब इसी में आता है कि कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव में वृद्धि प्रतिशत बताइए, तो कृषि क्षेत्र में जो स्थिर भाव में वृद्धि प्रतिशत है वो है 3.99%। और देखिए डाटा वाले जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पिछले बार का जो है छत्तीसगढ़ PSC दिया हुआ है वहां पर आपको मालूम है कि आर्थिक सर्वेक्षण का क्या महत्व है और डाटा का क्या महत्व है, ठीक है। औसत पूछा जाए तो यहां पर आएगा 5.34, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाएगा आपसे छठवां क्वेश्चन है, उद्योग के क्षेत्र में स्थिर भाव में वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो उद्योग के क्षेत्र में जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि 5.36 है। कितना है? 5.36 है वृद्धि प्रतिशत। औसत पूछा जाएगा तो 4.07%। और उसी प्रकार सेवा के क्षेत्र में स्थिर भाव पर वृद्धि प्रतिशत पूछा जाएगा तो सेवा के क्षेत्र में 6.93। कितना है? 6.93, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहां तक हो गया। अब आपको चलना है दूसरे पार्ट में, मतलब जो आप जब आर्थिक सर्वेक्षण का PDF डाउनलोड करेंगे तो वो पार्ट जो है अलग अलग पार्ट करके 16 पार्ट जो है वो दिए गए, आप उसको कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले घोषित किए गए। अब आकांक्षी जिले क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कितने आकांक्षी जिले घोषित किए हैं। और ये घोषित करता है नीति आयोग। कौन घोषित करता है?
नीति आयोग, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कांची जिले कौन घोषित करता है, तो नीति आयोग घोषित करता है। और यहां पर एक डाटा है कि भारत में 468 जिले के हिसाब से 115 जो है जिले जो है वो आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं, ठीक है, भारत की बात की जा रही है। तो 468 जिलों में नीति आयोग ने 115 जिलों को जो है आकांक्षी जिला घोषित किया है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में कितने जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया है, तो आपको बताना है कि 10 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया है। वो 10 जिले जो है वो है, 7 जिले जो है बस्तर संभाग के हैं और 3 अन्य संभाग के हैं, और सबका नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। आकांक्षी जिले क्या होते हैं वो पहले आप समझ लीजिए। देखिए आकांक्षी जिला क्या होता है, किसी भी जिला क्षेत्र राज्य के पिछड़ेपन के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति व भू संरचना सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। भौगोलिक स्थिति से सामाजिक कारण जुड़े होते हैं, उदाहरण के लिए पर्वतीय राज्य और जिला भू संरचना के कारण अधोसंरचना में पिछड़े रहते हैं। देखिए पर्वतीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, वो पिछड़ जाते हैं, पिछड़े रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जनजातियों का निवास होता है जो मुख्य धारा से क्या रहते हैं, कटे हुए रहते हैं, ठीक है, जिनके कारण वो पिछड़ जाते हैं। ठीक, आकांक्षी जिला की कायाकल्प योजना के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर, देखिए बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा के अलावा राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद का चयन किया गया है। 7 जिले जो हैं बस्तर संभाग के हैं और अन्य 3 राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद, कुल मिलाकर 10 आकांक्षी जिलों की जो है वो घोषणा की गई है। तो अब आपको मालूम हो गया कि आकांक्षी जिले क्या है, और छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं जिनका नाम भी यहां पर दे दिया गया है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो जिला है छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिला है, और कुछ ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें ये 10 में से आपको याद रखना है कि बस्तर के 7 और अन्य 3 कोरबा, महासमुंद और राजनांदगांव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में क्रमशः 21.47% एवं 19.53% क्रमशः किशोर एवं युवा का है, जिसमें साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः क्या है। अब आपको बताना है कि इनके साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः क्या है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है आईएमपी है, ध्यान से देखिएगा, आंसर जो है इसका है 32.76%, ये किसका है, किशोर का, और 28.37% साक्षरता दर है वह है युवा का। ठीक है, अब इसके बाद 10वां प्रश्न है कि कुल 10 आकांक्षी जिलों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या क्या है। अब आप जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे आकांक्षी जिलों के बारे में, तो वहां पर आपको यह मिलेगा, ठीक है, कि 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या कितनी है। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है 1869 है, ठीक है, 1869 है, और इसमें राजनांदगांव जो है वो पहले नंबर पर है, राजनांदगांव में 450 ग्राम है। ठीक है, कितने ग्रामों की संख्या है, तो 1869, राजनांदगांव जिसमें प्रथम है 450 के साथ में। ठीक है, 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में क्रियाशील स्वास्थ्य सुविधाओं का कुल स्वास्थ्य सुविधा प्रतिशत बताना है। ये डाटा वाले जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप लोगों के लिए क्यों काम आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी देख सकते हैं, और एग्जाम के पहले इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मतलब आपका जब भी एग्जाम आएगा उससे पहले एक बार देख के चले जाइए, तो डाटा जो है मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा छत्तीसगढ़ के क्रियाशील स्वास्थ्य सुविधाओं का कुल स्वास्थ्य सुविधा प्रतिशत जो है वो है 76.55%। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य सूचकांक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में। तो देखिए छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य सूचकांक अभी कितना है, तो यह है 0.52। याद रखिएगा 0.52 जिलों के आधार पर इसको निकाला जाता है, जिलों के आधार पर। ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक छत्तीसगढ़ के जिलों के आधार पर स्वास्थ्य सूचकांक निकाला जाता है, और यह है 0.52। याद रखिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग एग्जाम में पूछा जाता है स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में। 13वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत जारी जॉब कार्ड की संख्या है, कुल संख्या है वो आपको बतानी है, जॉब कार्ड की कुल संख्या कितनी है। तो यहां पर जॉब कार्ड की कुल संख्या जो है वो है 38.5 लाख। ठीक है, कितनी है, 38.5 लाख। तो ये 13 क्वेश्चन जो है ये पार्ट 1 के तहत हमने आर्थिक सर्वेक्षण के किए हैं। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, इस प्रकार चलते चलेंगे, और कुछ दिनों बाद से 2 या 3 वीडियो भी पर डे करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छा और आप लोगों के लिए दिन में 2 से 3 वीडियो जो है लेकर आऊं। ठीक है, इसीलिए लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करा करिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।